ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वुडन के टूल्स बनाने के लिए इनफ सामान आ चुका है। तो चलो यार जल्दी से यहाँ पे मैं वुडन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक पिकैक्स और एक एक्स को क्राफ्ट कर लिया है। एंड मैं इनको हाथ में पकड़ के ट्रीज चॉप। वेट भाई, ये अपने आप एन्चांट कैसे होगी और कौन सी एन्चांटमेंट लगी है इसमें? भाई शार्पनेस 5, अनब्रेकिंग फॉर्चून, भाई ये तो मैक्स एन्चांटेड हो चुकी है और वो भी मेंडिंग के साथ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? तो यार आज किस वाली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ MCPE के लिए माइनक्राफ्ट बट एवरीथिंग इज सुपर ओपी वाला एड ऑन। तो यार बेसिकली इसमें तुम लोग किसी भी आर्मर को या किसी भी टूल को क्राफ्ट करोगे तो यार इसमें तुम लोग को पहले से मैक्स एन्चांटमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड यार एक और खुशखबरी तुम लोग को सुनाना चाहूंगा कि यार मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप को अनेबल कर दिया है, नीचे ज्वाइन बटन को अनेबल कर दिया है। तुम लोग चाहो तो यार ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 29 rupees पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज यार ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो यार यहाँ पे मैं तुम लोग को क्राफ्टिंग टेबल में फुल डायमंड का आर्मर बना के दिखा देता हूँ कि यार किस तरह से ये एड ऑन वर्क करता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने फुल डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये बन चुके हैं मेरी लेगिंग्स एंड उसके बाद यहाँ पे हेलमेट और ये बन चुके हैं मेरे बूट। तो यार लेगिंग्स को मैंने पहले से अपने हाथ में पकड़ रखा था, ये देख सकते हो अपने आप एन्चांट हो चुकी है। बाकी की चीजें अभी तुम्हारे सामने हाथ में पकड़ता हूँ एंड देख लोगे यार तुम लोग भी अपने आप एन्चांट ये हो रही है। तो यहाँ पे गाइस अब ये तुम लोग को मैक्स एन्चांटेड देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देख सकते हो यार प्रॉट 4, Thrones 3, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग भी साथ में दे दी गई है। यार इसमें बहुत सारे एड ऑन आते हैं जिनमें तुम लोग को मेंडिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन इस वाले में तुम लोग को मेंडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड गाइस अगर तुम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में इजीली एन्चांटमेंट लेना चाहते हो तो यार तुम लोग इस एड ऑन को यूज कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोग इसको चैलेंज के रूप में खेलना चाहते हो तो तब भी तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड प्रोसेस की तरफ। लेकिन उससे पहले यार अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। तो डाउनलोड करने के लिए तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से अगर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अपने जेड रिसीवर ऐप को ओपन करो, डाउनलोड का फोल्डर तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, उसमें तुम लोग को आ जाना है। यहाँ पर तुम लोग को अपना एड ऑन देखने के लिए मिल जाएगा। बाय द वे गाइस इस एड ऑन को बनाया है आरबी गेमिंग ने, तो तुम लोग उनका चैनल भी देख सकते हो। उसके बाद तुम लोग को क्या करना है गाइस, इस फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम लोग को इस पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन पे तुम लोग को क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद कुछ का कुछ इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। अब तुम लोग को क्या करना है गाइस, इस फोल्डर पे होल्ड करके रखना है, कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो ऊपर बड़ा बड़ा डाउनलोड लिखा आ रहा है इस पे क्लिक करके तुम लोग को डिवाइस मेमोरी पे आ जाना है। एंड उसके बाद गेम्स के फोल्डर में आना है, com.mojang में आना है एंड देन तुम लोग को बिहेवियर पैक्स में आ जाना है। एंड ये नीचे वाले बटन से इसको पेस्ट कर देना है, मैंने इसको पहले ही पेस्ट कर रखा है तो मैं इसको अभी नहीं करूंगा। एंड गाइस अगर तुम लोग को चाहिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए top 3 बेस्ट शेडर्स, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। टाटा बाय बाय। एंड किसी भी मॉड को डाउनलोड या इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है तो यार कमेंट में बता दो, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा।